नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक में आपको चक्रीय योगों के बारे में बताया था। इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक वाली लंबी श्रृंखला में, समूहों की संख्या एक से अधिक है, तो हम किस तरीके से उनका IPSC नामकरण करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एक से अधिक या अधिक क्रियात्मक समूह के यौगिकों का IPSC नामकरण। तो ये हमारा आज का टॉपिक, एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IPSC नामकरण। तो इस टॉपिक में हमें समूहों के बारे में ध्यान देना है। तो इसमें हम आपको बता दें, पहला नियम हमारा है, जब समूह अधिक हैं तो हमें एक जनक श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में, इस कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में एक क्रियात्मक समूह को मुख्य समूह लेना है और शेष क्रियात्मक समूह को हमें प्रतिस्थापी लेना है। सबसे खास बात है कि एक को मुख्य समूह लेना और शेष को प्रतिस्थापी लेना। तो पहला नियम है, एक क्रियात्मक समूह को मुख्य समूह तथा शेष को प्रतिस्थापी मानना। अब बात आती है कि जिसको हम मुख्य समूह ले रहे हैं वो कौन है और जिनको हम प्रतिस्थापी मान रहे हैं वो कौन है। माने हमें पता करना पड़ेगा कि किसको हम मुख्य समूह ले हैं, किसको प्रतिस्थापी ले, अर्थात इन समूहों का ऑर्डर क्या है। पहला नियम हमारा है कि हम एक को मुख्य समूह लेंगे, शेष को प्रतिस्थापी लेंगे, तो फिर आर्डर भी तो पता चले। तो हम आपको बता दें कि इनका आर्डर क्या है, इन समूहों का आर्डर क्या है। तो इसी नियम में हम आपको आर्डर भी बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एमीन लवण। ये हमारा क्रम है, समूहों का क्रम या समूहों की प्राथमिकता, कि किसको हम प्राथमिकता दें, किसको हम बाद में लिखें। तो समूहों का क्रम है, ये क्रियात्मक समूह हमारे हैं। तो उसमें सबसे पहला है एमीन लवण। उसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद में आता है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल के बाद में आता है एस्टर। एस्टर के बाद में नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद में एल्कोहल, एल्कोहल के बाद में फिनॉल, फिनॉल के बाद में थायल,
और थायाल के बाद में आता है हमारा एमीन, सबसे लास्ट में है एमीन। तो ये है हमारे समूहों की प्राथमिकता का क्रम, किसको हम अगर इतने में से सारे समूह आ जाएंगे तो फिर इसी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब पहली बात तो एक किसी भी कार्बनिक, क्योंकि मैं इतने समूह आ ही नहीं सकते, बहुत डिजिटल हो जाएगा, तो दो चार समूह तो आ ही सकते हैं, तो इस क्रम में हम उनको प्राथमिकता देंगे। जो पहले होगा उसको मुख्य समूह मान लेंगे, शेष को प्रतिस्थापी मानकर रख लेंगे। मुख्य समूह के लिए आप अनुलग्न लगाते हैं, प्रतिस्थापी के लिए पूर्व लग्न लगाते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि एल्कीन है, एल्काक्सी है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो माने हैलोजन्स हैं, इनको हमेशा हम प्रतिस्थापी ही मानते हैं और इनके लिए हम पूर्व लग्न का इस्तेमाल ही करते हैं। फिर से सुन लीजिए आप, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कीन, एल्काक्सी और हैलोजन्स, हैलो, तो इनके लिए हम पूर्व लग्न का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं और वो हमारे प्रतिस्थापी होते हैं, लेकिन इसमें भी एक को ही हम मुख्य समूह मानते हैं, इसको प्रतिस्थापी मान लेते हैं। तो ये हमारा पहला नियम था कि एक को मुख्य समूह और शेष को प्रतिस्थापी मानना, और उसके लिए हमें ऑर्डर देना पड़ा। उसके बाद हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम है हमारा कि जो मुख्य समूह है उसके लिए हम अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे प्रतिस्थापी हैं उनके लिए हम पूर्व लग्न का इस्तेमाल करते हैं। तो किसके लिए क्या पूर्व लग्न है और क्या अनुलग्न है उसकी भी टेबल हम आपको बता दें कि किसके लिए हम कौन सा अनुलग्न लिखते हैं और कौन सा पूर्व लग्न का शब्द आता है। तो चलिए कुछ समूह है मेरे पास, जैसे कि सबसे पहला अल्कोहल ही है मान लो, तो ये समूह और ये है पूर्व लग्न और इधर है अनुलग्न। अल्कोहल के लिए अगर हम पूर्व लग्न लगाते हैं तो हाइड्राक्सी या हाइड्राक्सो, और अनुलग्न इसका होता है आल। दूसरा है एल्डिहाइड, इसका पूर्व लग्न होता है फार्मिल और इसका अनुलग्न होता है अल। आप अमोनिया का ग्रुप दे रहे हैं, इसका होता है एमीनो और लास्ट में एमीन। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप देख ले हैं COH, इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सो या कार्बोक्सी। और इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ये ओइक एसिड या ओइक अम्ल। इसके अलावा और भी हैं आपके, हम इनको मिटा रहे हैं। तो जैसे कि ये सल्फोनिल है, इसका होता है थायाल और एक होता है आप देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ करके होता है, ये कीटो ग्रुप है। इसको अगर हम पहले लिखते हैं तो ऑक्सी या कीटो, इसको ऑक्सी भी कह सकते हैं या कीटो भी कह सकते हैं। और इसका अनुलग्न होता है ओन। इस तरीके से और भी है। तो हम पूर्व लग्न के लिए क्या इस्तेमाल करें और अनुलग्न के लिए क्या इस्तेमाल करें आपको हमने बता दिया, ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम है कि इस तरीके से जो यौगिक होंगे उनका नामकरण करें, पहले कैसे करेंगे, तो वही नियम पहला वाला कि सबसे पहले जो मुख्य समूह है, पहले जो मुख्य समूह उसको हम प्राथमिकता देंगे और शेष को प्रतिस्थापी मान लेंगे। तो ये हमारा तीसरा नियम की तरफ चलते हैं।
तीसरा नियम है मुख्य समूह को जनक श्रृंखला के साथ जोड़ना। मुख्य समूह को जनक श्रृंखला में शामिल करना, जैसे अब देखिए, अब इसमें दो ग्रुप है, एक कीटोन या ऑक्सी और एक हाइड्रोक्सी अल्कोहल वाला आल वाला। इसमें काउंट करने के लिए जो मुख्य समूह है उसको जनक श्रृंखला के साथ जोड़ रहे हैं तो उधर से ही काउंट करेंगे वन, और वैसे भी पहले हमारा यही आ रहा है तो इधर से ही करना जरूरी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हमारा प्रतिस्थापी होगा। और प्रतिस्थापी को हमेशा पूर्व लग्न की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम होगा फोर हाइड्रॉक्सी और कार्बनों की संख्या है 6, तो ये हो जाएगी हेक्स। और दो नंबर पर हमारा लगा हुआ है कीटो ग्रुप, जिसके लिए हम अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे, माने ऊन, हेक्स टू ऊन। ये है हमारी समूहों की प्राथमिकता का क्रम। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, अगर एग्जाम्पल इस तरीके से हो, अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है कीटो, दूसरा ग्रुप है कार्बोक्सी मतलब ओइक अम्ल वाला। तो यहाँ ग्रुप राइट से स्टार्ट करेंगे, इसका अंकन दाहिनी साइड से, क्योंकि दोनों ग्रुप ये दूसरे कारण पर है, ये पहले कारण पर, तो इसका अंकन इधर से ही करेंगे। लेकिन इसमें इसको प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल हमने आपको अभी क्रम बताया था कि उसमें आपने देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का था वो सेकेंड मतलब पहली लाइन में ही था, सेकेंड स्टेप पे था, और हमारा जो कीटोन है वो थोड़ा इससे बाद में है, तो प्राथमिकता इसको दी जाएगी। तो इसका नाम होगा, इसका नाम जब अब लिखेंगे तो अब देखो हमारा ओन कहाँ पर जाएगा, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फोर। अब देखो ओन वहां पर लिखा था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ओन लिखा था क्योंकि वहां पर हमें इसको अनुलग्न की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूर्व लग्न की तरह इस्तेमाल करेंगे, माने प्रीफिक्स। तो इसको फोर ऑक्सी या फोर कीटो कह सकते हैं, फोर ऑक्सी, और कार्बनों की संख्या है 5, माने पेंट, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन, और वन पर वही कमला है, वन पर वही एसिड है। ये हमारा तीसरा नियम था। अगला नियम है कि अगर इसी में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और मुख्य समूह भी हो, प्रतिस्थापी भी हो, तो हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मुख्य समूह और प्रतिस्थापी हो तो हमें वरीयता दी जाती है, सबसे पहले हम वरीयता देंगे डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद मुख्य समूह को, और उसके बाद प्रतिस्थापी को। ये हमारा नियम है। अगला नियम है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और समूह होने पर, I got it.
अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप जानते हैं कि समूह में दो भागों में बांटना पड़ता है, डिवाइडेशन करना पड़ता है, इसमें एक मुख्य समूह एक प्रतिस्थापी होता है। तो सबसे पहले हम मुख्य समूह को लेते हैं, उसके बाद डबल बांड को, उसके बाद ट्रिपल बांड को, और उसके बाद प्रतिस्थापी को लेना पड़ता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा दें, अब आप देखिए इसमें हमने एक डबल बांड को भी लिया है, एक अल्कोहल समूह को भी लिया है और एक कीटो समूह को भी लिया है। इस कंडीशन में हम सबसे पहले समूह को प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले इस समूह को हम प्राथमिकता देंगे क्योंकि ये हमारा मुख्य समूह की श्रेणी में आएगा। उसके बाद डबल बांड की इसको प्राथमिकता देंगे और उसके बाद हम अल्कोहल को प्राथमिकता देंगे। तो इसका अंकन भी इधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नाम लिखने के लिए हम पहले इसी को लिखते हैं प्रतिस्थापी को, तो इसका नाम होगा 5-हाइड्रॉक्सी या हाइड्रॉक्सो और हमारा 3 नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड और उसके साथ में 6 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा हेक्स। इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं और दोनों को हमें अनुलग्न की तरह इस्तेमाल करना है। पूर्व लग्न तो हमारा हो चुका है, मुख्य सुनड़ी हमारी हो चुकी है, माने मुख्य शब्द जो हमारा जनक श्रृंखला का है वो भी हो चुका है। तो 5-हाइड्रॉक्सो हेक्स और 3 पे है हमारा इन। अब देखो इसमें इन पहले लिखा गया है और इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि सबसे मेन है, सबसे पहले ये आता है इसलिए सबसे लास्ट में इसको लिखना पड़ता है, ये अनुलग्न है। 3 इन और 2 पर है हमारा ओन। तो ये था हमारा अधिक समूह की कार्बनिक यौगिक वाली श्रृंखला को किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करें और किस तरीके से उनका हम समूह को मुख्य समूह मानकर और बाकी समूह को क्रियात्मक समूह मानकर आईपीएस से लिखें। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, हमें कमेंट भेजिए और सब्सक्राइब करिए। यूथ इंडिया के साथ योगेश कुमार।